नमस्कार, मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ चैनल। आज हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने ढेरों सारे अवार्ड जीते हैं और समाज की बात करते हैं, वाल्मीकि समाज को बहुत अच्छे से बताते हैं और बहुत सारे मंचों को साझा भी करते हैं। मोहन सिंह पहलवान जी, मोहन जी आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो वाल्मीकि समाज और दलित समाज है आज इतना अत्याचार झेल रहा है कि कोई समाज नहीं झेल रहा अत्याचार। और जब से ये सरकारें आई हैं, निगम के अंदर बैठी है, 15 साल हो गए बीजेपी सरकार को, ना तो दलितों को नौकरी मिल रही है और ना ही वाल्मीकि को नौकरी मिल रही है। नौकरियां बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं और ये सारा का सारा प्राइवेटाइजिंग हो रहा है जितना भी है। हम पूछना चाहते हैं आखिर ऐसा क्यों है, इन्हीं समाजों के साथ अत्याचार ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों है? तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, कहा जाता है वाल्मीकि समाज के लिए अभी बहुत सारे लोग नौकरियों का इंतजार करते रहते हैं, एससी एसटी ओबीसी समाज नौकरियों का इंतजार कर रहे हैं, नौकरियाँ तो लग नहीं है, लेकिन कहाँ तक नौकरियाँ लग पा रही हैं बहुजन समाज के लोगों की, वो बताएं। मेरे ख्याल से बहुजन समाज की नौकरियाँ बिल्कुल ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि जितना भी मैंने कहा आपको कि बहुजन समाज के लिए बिल्कुल सारा मामला ख़त्म है, दलितों के लिए ख़त्म है, आरक्षण तो बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, क्योंकि जब आरक्षण ही नहीं होगा हमारे लिए, बाबा साहब की बातें ही नहीं मानेंगे ये लोग तो किसकी मानेंगे। ये हमें संविधान की तरफ ध्यान देखना चाहिए, संविधान को बचाना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब का जो संविधान है, जो उन्होंने लिखा है, अगर जो बाबा साहब का संविधान नहीं होगा तो मेरे ख्याल से नौकरियां ख़त्म हो जाएंगी हमारे लिए। तो हमें नौकरी की तरफ ध्यान देना चाहिए, एकजुट होना चाहिए, दलितों को और ओबीसीओं को सबको एक जगह जुट होना चाहिए। अगर जो किसी का कोई प्रोग्राम होता है तो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएँ नौकरियों के लिए साथियों जी। किस तरीके से एक हो पाएंगे जबकि आपस में कोई बात नहीं करता है, कोई व्यवहारिकता नहीं है, और ये जो जातिकरण का आधार है वाल्मीकि एससी ओबीसी खटीक धोबी नाई तेली ये सब जो जातियां बनाई हैं, कोई भी किसी से रिश्तेदारी करके खुश नहीं है, तो फिर कैसे एक हो पाएंगे? देखो, मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि हमें रोटी बेटी का भी ध्यान देना चाहिए। अगर जो हम अपनी बेटी देंगे या उनकी बेटी लेंगे तो मेरे ख्याल से हमारी ताकत बनेगी, उनको पता लगेगा कि अब हम एक हैं साथियों। और मैं कहना चाहूँगा विशेष करके वाल्मीकि समाज से कि अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि आगे चल के वही जैसे दिल्ली के अंदर स्कूल चल रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे स्कूल चल रहे हैं, प्राइवेटाइजिंग हो रहे हैं स्कूल, और हमारे बच्चे अपने खर्चे काट के मैं उनके माँ बाप से गुजारिश करूँगा कि अपने खर्चे काट के, अपना पेट काट के अपने बच्चों को एजुकेशन जरूर दें, अच्छी से अच्छी एजुकेशन दें जी। आप थे हमारे साथ मोहन सिंह पहलवान जी, आपने हमारे चैनल से बात की, इसके लिए धन्यवाद सर। धन्यवाद सर, आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद, क्योंकि हमारी आप बात पहुंचा दोगे, जो ये ठेकेदारी प्रथा इसको ख़त्म करें, हमारे पे लागू कर रहे हैं ये ठेकेदारी प्रथा, जो एमसीडी के अंदर 55 साल के लोगों को निकाला जा रहा है, केंद्र का ये ऑर्डर है कि 55 साल के लोगों को निकालें, 30 साल की जिसकी सर्विस होगी है उसको निकालें। मैं रिक्वेस्ट करूँगा केंद्र सरकार से कि इसको रोकें, क्योंकि अगर जो नौकरियां ख़त्म हो जाएगी तो अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करेंगे। तो मैं मोदी साहब से कहना चाहूँगा आपके चैनल से कि इसको रोकें, समय पहले गरीबों की तरफ ध्यान दें, गरीबों को आरक्षण दें ज़्यादा से ज़्यादा, बस। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।